नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सनी देओल इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। उनकी लेटेस्ट फिल्म गदर 2 थिएटर्स में धमाल मचा रही है। पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ 9 ही दिन में ऐसी कमाई कर डाली है कि ये बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। 905 में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक रहे। सभी ने बीच के 2 दशक में काफी स्ट्रगल देखा और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अब आखिरकार गदर 2 ने उन्हें वो ग्रैंड सक्सेस दिखाई है जिसका इंतजार उन्हें बहुत लंबे समय से रहा होगा। लेकिन एक तरफ जहां सनी की फिल्म थिएटर्स में धुआंधार कमाई कर रही है, वहीं रियल लाइफ में उनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी पर नीलामी का खतरा आ गया है। सनी के ऊपर एक बैंक का बड़ा कर्जा था जिसकी रिकवरी के लिए अब बैंक ने उनकी मुंबई की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का विज्ञापन निकाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के विला की नीलामी का विज्ञापन निकाला है। सनी ने बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन लिया था। इस लोन के लिए उन्होंने मुंबई के जुड़े इलाके में स्थित अपना विला, जिसका नाम सनी विला है, मॉर्गेज पर दिया था। इसके बदले में उन्हें बैंक को ऑलमोस्ट 56 करोड़ रुपए चुकाने थे जो अभी तक नहीं चुका पाए हैं। वो बता दें कि ये लोन और इस पर लगा ब्याज वसूलने के लिए बैंक ने इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का फैसला किया है। बैंक का विज्ञापन बताता है कि सनी विला की नीलामी 25 सितंबर को होगी। इस नीलामी के लिए प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 51.43 करोड़ रुपए रखा गया है। सनी के फिल्मी करियर की बात करें तो गदर 2 के साथ उनका भौकाल फिर से थिएटर्स में लौट आया है। बॉक्स ऑफिस पर तूफानी स्पीड से कमाई कर रही इस फिल्म ने सिर्फ 8 दिन के अंदर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। शनिवार के कलेक्शन के बाद 9 दिन में फिल्म की कमाई 335 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। जल्द ही गदर 2 सनी के खाते में 400 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनकर दर्ज हो जाएगी। गदर 2 जिस तरह कमाई कर रही है, बता दूं मैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म पठान को भी टक्कर दे सकती है। खैर, अब ये देखने के लिए तो मुझे लगता है लोग काफी ज्यादा इच्छुक होंगे कि आखिर गदर 2 की कमाई सनी देओल का ये विला बचा पाती है या नहीं। दोबारा से जो भी इस पे अपडेट आएगा हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।